सलमान और विवान का मैजिक तो ऑडियंस में हमेशा चलता है, तो फिर ये वशीकरण जादू से इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गई? फिर से ट्राई करता हूँ। जादू का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है इस पे? लगता है मेरे जादू से लड़ने की एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है इसकी बॉडी में। अब ये बालवीर कितनी भी कोशिश कर ले, इस हथनी को अपने वश में करना उनके लिए नामुमकिन है। यस, जब एक माँ अपने बच्चे को बचाने का निश्चय कर ले तो इस पूरी दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती। अरे खाना छोड़ो और गाना गाओ, आंखें खोल के देखो तुम दोनों से वो। देखा, डुप्लीकेट कॉस्ट्यूम वाले बालवीर का ओरिजिनल कमाल। अब जल्दी जाओ और छुपो। इसका गुस्सा तो और बढ़ते जा रहा है, हमें इसे रोकना होगा वरना ये माँ और सबको चोट पहुंचा सकता है। भले दो मेटल का मजबूत पिंजरा बना देती हूँ ताकि हम इन्हें उसमें बंद कर सके और ये दूसरों पे अटैक ना कर पाए। जादू में जादू। आपने एकदम सही समय पर ये बनाया। मैं तो सब कुछ राइट टाइम पे करती हूँ, इसीलिए तो मैं परी बनी हूँ और इसीलिए मेरे पास इतनी पावर्स हैं। आप बंद कब करेंगे? क्या बोलना। और आप स्टार्ट कब करेंगे? क्या मेरी तारीफ करना। अरे आप दोनों कब समझोगे? क्या क्या कि अभी प्रॉब्लम ये आती है। Thank you.
अब हमें सर्कस वालों को कॉन्टेक्ट करना चाहिए ताकि वो लोग इसे यहाँ से वापस ले जाए। स्मार्ट नहीं हूं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, महसूस हो रहा है कुछ कुछ गलत होने वाला है। अब शुरू होगी असली मूवी जिसके लिए इसको भारत नगर भेजा था। Now starts the real fun। ये बालवीर तो इस पे अटैक करेंगे नहीं, पर इस गुस्से से भरी हथनी का अटैक चलता रहेगा। विवाद तो गया। Run! अरे लगता है आप वो मेरी वैन है जिसे मैंने अपना फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ नहीं दिया। अरे लेकिन दे दूंगा ना, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है। अरे अगर आपको फोटोग्राफी चाहिए ना, सुबह आप एक काम कीजिए, आप फोन को ना अपनी सूंड में लगा कर सेल्फी लीजिए, है ना, फोटोग्राफ भी अच्छी आएगी टॉप एंगल से। ओ हेलो, ये सिर्फ विवान पर ही क्यों अटैक कर रहा है, यहाँ पे हम भी तो है। तो क्या आप चाहती है कि हम पर हमला करें? नो नो नो, अभी तो मैंने इस गांव में भागने की प्रैक्टिस भी नहीं की है। पर सोचने की बात यह है कि हम तीनों में से ये हत्या सिर्फ विवान पर हमला क्यों कर रही है। आखिर विवान ने ऐसा किया क्या है जिससे ये विवान पर इतना क्रोधित है? विवान। हाँ भैया। तुम वहां से गायब हो जा। ठीक है भैया। अरे 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 मैम, माना कि आप बहुत सुंदर हैं और मैं लिटिल लिटिल सलमान की तरह दिखता हूँ, लेकिन बेटर होगा कि आप अपनी एज का कोई हीरो ढूंढो। आपके ऊपर ही गुस्सा बिल्कुल छूट नहीं करता और आपको सिर्फ मुझसे ही क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपके नाम पे शर्त लगाई इसके लिए क्या, या फिर आपके ऊपर वशीकरण जादू किया? अरे लेकिन वो जादू तो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि उसके लिए था ताकि आप किसी और को चोट ना पहुंचाओ। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। तुम भी कौन? हाँ भैया, पर बालवीर तो आप ही हो, तो फिर ये सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? विवान एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। विवान! यात्री तो बहुत गुस्से में है। ये तो क्रश करना चाहती है विवान को। हमें इसे रोकना होगा अनन्या। ये तो क्रश करना चाहती है विवान को। हमें इसे रोकना होगा अनन्या। गजगामिनी हो, गणपति का प्रतीक हो, भगवान का रूप हो, और भगवान तो रक्षा करते हैं ना सबकी, तो फिर आप एक माँ के बच्चे को कैसे चोट पहुंचा सकती हैं? प्लीज
मेरे बेटे को जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, इसने जो भी गलती की है इसे माफ कर दीजिए। प्लीज मेरे बेटे को बख्श दीजिए, प्लीज। वाह माँ वाह, आप तो बालवीरों की बालवीर निकली। आप तो सुपर हीरो है माँ। जो काम हमारे मैजिक से ना हो पाया उसे आपकी प्यारी बातों की मैजिक ने कर दिया। मेरे कान तो मैं बाद में खींचूंगी और पूछूंगी तुझसे कि तू बालवीर कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कब से है, क्यों है। पहले ने थैंक यू बोल दो। थैंक यू सो मच। आपने एक माँ की बात सुनी, चोट नहीं पहुंचाई मेरे बेटे को। वो क्या है ना, मेरी जान तो इसके अंदर ही बसती है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। हाँ, और अगर मेरी माँ को कुछ हो जाए ये मैं भी सहन नहीं कर सकता। बोलो नहीं, सुनो। सॉरी सॉरी। अब वो क्या है ना, ऐसे ही है, ये बहुत प्यार करता है ना मुझसे। एक्चुअली हम सब यहाँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, आपको भी वहीं जाना चाहिए जहाँ आपके सब अपने। आप प्लीज प्लीज वहाँ लौट जाइए ना, जहाँ से आप आई हैं। प्लीज। हाँ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज आप वापस चले जाइए। हाँ, हम तो आपसे प्यार से मिल आए थे। यस, वी लव ऑल एनिमल्स। आप तो गणेश जी का रूप है ना, विघ्नहर्ता है, आपको हम मोदक चढ़ाते हैं, तो आप पूजनीय होकर बच्चों को कैसे नुकसान पहुँचाएंगे, है ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब होगी गणपति की पूजा और नगाड़े के साथ बजोगे तुम? मैं ढोल भी बजेंगे और सेलिब्रेशन भी होगा, लेकिन मेरी विक्ट्री के लिए। इसीलिए मैंने इस एंग्री एलिफेंट को अपने वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि ये पावरफुल तो है और साथ साथ में एक इमोशनल माँ भी है, जो अपने बच्चे के इमोशन में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अब ये बालवीर तो समझ भी नहीं पाएंगे कि ये खेल आखिर है क्या, क्योंकि हथनी ने धुन की माँ को ले लिया है अपने बच्चे के बदले। और बालवीर अपनी माँ को बचाने के लिए उसका बच्चा कहाँ से लाएगा? वाह 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 रे वाह, एकदम लोमड़ी हो तुम, मतलब लोमड़ी जैसा दिमाग पाया है तुमने, शातिर और चालाक। करेक्ट। अब आएगा खेल खेलने में और देखने में असली मजा। विवान वो मम्मी को लेकर चले गए। तूने कुछ क्यों नहीं किया विवान? बोलो तूने कुछ क्यों नहीं किया? तू तो बालवीर है ना, प्लीज जा विवान, मम्मी को बचा ले, वापस ले आ मम्मी को, प्लीज विवान। देबू भैया आप भी तो बालवीर हो, आपने क्यों नहीं बचाया मम्मी को? प्लीज देबू भैया, मम्मी को जाकर वापस ले आइए, प्लीज। दीदी आई प्रॉमिस, हम जरूर बचा कर वापस लाएंगे माँ को, ठीक है? पर तब तक मैं ना कुछ खाऊंगी ना ही कुछ पीऊंगी, बस यही खड़ी रहूंगी, ऐसी ही खड़ी रहूंगी और तब तक खड़ी रहूंगी जब तक मम्मी वापस नहीं आती। नहीं खुशी, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं।
पर हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारी माँ को वापस लेकर आएंगे। हाँ दीदी, आप भरोसा रखिए अपने भाइयों पर। भैया, उस लेडी एलिफेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई थी, और उसके अटैक जैसे थे जैसे वो मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा थी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि वो अपनी सूट की मदद से यहाँ पर कुछ ढूंढ रही है। पर भैया, वो यहाँ क्या ढूंढ रही होगी? शायद कोई ऐसी चीज जिससे उसे सबसे ज्यादा प्यार। एक माँ को सबसे प्यारा तो उसका बच्चा ही होता है। हाँ विवान, तुमने मुझे बताया था कि उस हाथी का एक बच्चा भी है ना? हाँ, था उसका बच्चा, पर वो भी गायब हो गया है। तभी उसकी माँ गुस्से से पागलों की तरह घूम रही है। देखो क्या हाल कर दिया उसने। मुझे समझ नहीं आ रहा सर्कस का ओनर क्या बोलेगा मुझे। बच्चा गायब है और माँ की निशानी पर तुम थे, और वो यंत्र तभी इशारा करता है जब रे कोई बुरी चाल चलता है। कुछ समझ में आ रहा है विवान? हाँ भैया, इंटरवल तक तो सब समझ आ रहा था, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मदर एलिफेंट के बच्चे को रे लेकर गया है, लेकिन फिर भी वो मदर एलिफेंट मुझसे इतना गुस्सा क्यों है? शायद मुझे समझ में आ गया कि रे ने क्या किया था। तो इतना स्मार्ट भी नहीं, और फिर भी उसने मेरा एक्स्ट्रा स्मार्टनेस वाला रूप लेकर उस बेचारे बेबी एलिफेंट को किडनैप किया। हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हर बार चाल समझने के लिए जादू की जरूरत नहीं होती वहाँ। भैया, पर अभी प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हुई है? इस समस्या का हल तो तभी निकलेगा विवान, जब हम उस माँ तक उसका बच्चा वापस पहुँचाएंगे। हाँ भैया, और हमें ये भी तो जानना है कि वो मदर एलिफेंट तुम्हारी माँ को कहाँ लेकर गई है। परेशान हो रहे होंगे मेरे बिना। देखो मुझे जाने दो, मैं जाऊं, मैं जा रही हूं। तुम मुझे इस तरह बंदी नहीं बनाकर रख सकती। अब देखो मेरे दो दो बेटे बालवीर हैं, वो कभी भी आते होंगे यहाँ पर। फिर मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। हे भगवान, मेरे बेटों को जल्दी यहाँ भेजो। बच्चे के लिए तड़प रही है और बच्चा माँ के लिए, और मैं विवान के डीएन के लिए तड़प रहा हूँ जो कि वेरी सून होने वाला है। अरे तुम्हारा ये वेरी सून सुन सुन के मेरा दिमाग थक गया है। मेरा मतलब है इसकी माँ उधर बालवीर की माँ को सामने बिठाकर बस घूरे जा रही है। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ब्रिगेंजा, हाथियों के काम कदे नहीं किया करते। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये मत भूलो कि ये पूरा चक्रव्यूह मैंने रचा है, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। विवान, वायुपरी, आप दोनों यहाँ से जाइए और हत्या के बच्चे को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं और अनन्या करुणा जी का पता लगाते हैं।
ठीक है भैया। धरती बहुत विशाल है और हमारे पास समय बहुत कम, तो आपके पास क्या कोई सुझाव है जिससे हम करुणा जी को जल्द से जल्द ढूंढ सके? हाँ, मेरे पास एक सुझाव है। क्या मैं ड्रोन कैमरा बनाऊं? बनाइए। अब मैं इसे एक इसके जैसे कई और बना देता हूं। अब ये ड्रोन्स जल्द से जल्द करना जी कहाँ हैं ये पता करके हमें बता देंगे। लेकिन मुझे एक और बात का डर है। क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी माँ करुणा जी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर इस सबके पीछे रे का हाथ है तो करुणा जी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कोई ना कोई चाल जरूर सोच रहा होगा। प्यास लगी है, थोड़ा पानी तो पी सकती हूँ ना मैं? पक्का भागूंगी नहीं। चक्रव्यूह मैंने रचा है, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। वो तो है। तुम इस चीटी से क्या करने वाले हो अब? वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जब एक छोटी सी चीटी हाथी की सूंड में घुसकर उसकी नाक में दम कर देती है, ठीक उसी तरह ये छोटी सी चीटी बड़े से बड़े हाथी को पागल कर सकती है। और जब हाथी पागल हो जाए तो फिर वो किसी को भी मार सकती है। यस लेडी बीरबा। अब जैसे ही वो दोनों बालवीर अपनी माँ को ढूंढते हुए वहां पहुंचेंगे, वो इस इनोसेंट हथनी को मारने की गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो मैड एलिफेंट विवान को मारने की गलती जरूर करेगी। और क्योंकि ये मैजिकल एंट इस बेबी एलिफेंट की सूंड से बना है, इसमें सूंघने की और चलने की बिल्कुल एक हाथी जैसी शक्तियां हैं। और अब इसी सूंघने की शक्ति से वो जाकर इसकी माँ को ढूंढेगी और उसकी सूंड में घुसकर उसकी नाक में दम कर देगी। मैंने इन ड्रोन कैमरास को ऐसे डिजाइन किया है कि ये सिर्फ करुणा आंटी और मदर एलिफेंट की ही लाइव फुटेज हम तक पहुंचाएंगे। बहुत अच्छी, इससे तो हमारा काफी सारा समय बच जाएगा। नहीं 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 नहीं,
थैंक यू। आप इतना समझती हैं, तो फिर ये क्यों नहीं समझती कि हम लोग अच्छे लोग हैं? हमारा परिवार किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। वैसे बुरी तो आप भी नहीं हैं, क्योंकि अच्छे लोग ही दूसरों को पानी पिलाते हैं। आप भी एक माँ होंगी ना, तो आप एक माँ का दर्द क्यों नहीं समझ सकती? क्यों आप मुझे दूर कर रही हैं मेरे बच्चों से? क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने आपका, जो आप उसे चोट पहुंचा रही थी? आप एक माँ होकर माँ की तड़प क्यों नहीं समझ सकती? आंटी, चलो बालवीर, अभी हमारे जाने का फायदा नहीं है। अगर हमें उस हत्ती को अपने वश में करना है, तो हमें उसका बच्चा अपने साथ लेकर जाना होगा। विवान, हमें माँ के बारे में पता चल चुका है, क्या तुम्हें वो हत्ती का बच्चा मिल गया? नहीं भैया, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। विवान, एक काम करो, तुमने उस हत्ती के बच्चे को देखा है ना, तो तुम उस बच्चे की स्मृतियां अभी के अभी अनन्या के दिमाग में भेजो। हाँ भैया, अभी ट्रांसफर करता हूँ। बेबी एलिफेंट की मेमोरी मेरे माइंड में क्यों ट्रांसफर करवाई है? ताकि तुम उन स्मृतियों को देखकर हूबहू उस हाथी को बच्चे को बना सको। हाँ, पर मैं लिविंग थिंग्स नहीं बना सकती। हमें जरूरत भी नहीं है, उस हाथी के बच्चे के जैसा दिखने वाला हमें एक पुतला ही चाहिए, जो दूर से दिखने में जीवित लगे। ओके। तो चलो माँ को वापस लेकर आते हैं। माँ ने दिल से बुलाया, बेटा आया। देवू, माँ अब ठीक तो है ना?
ठीक हो गया नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे वो। तुम और विवान हवा में उड़ रहे हो और ये हथनी, इसे पता नहीं क्या हो गया है। ये अभी तक तो ठीक थी, अचानक गुस्से में मुझ पर हमला कर दिया इसने। देवो चलो यहाँ से चलते हैं, चलो चलो। मैं आपको ले जाने के लिए आया। मुझे मत देखो, उधर देखो। कर लिया, लेकिन अब तक पता नहीं चला कि उस रे ने बेबी एलिफेंट को कहां छुपा रखा है। इसका मतलब ये है विवान कि उसने उसे सिर्फ छुपाया नहीं है, बल्कि ऐसा जादू किया है जिससे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर कैसे ढूंढे उसे? एक तरीका है भाई परी। क्या विवान? माँ की आवाज, क्योंकि जब कोई मैजिक वर्क ना करे तब माँ की आवाज का मैजिक हमेशा वर्क करता है बच्चों पर। मतलब? मतलब ये कि मैंने मदर एलिफेंट की आवाज को सुनी है, और अगर मैं वो आवाज निकालूं, फिर आप अपनी वायु शक्ति से उसे वायु की तरह पूरी धरती में फैला दो, तो फिर वो आवाज बेबी एलिफेंट तक भी पहुंचेगी, और जैसे ही वो अपनी माँ की आवाज सुनेगा, वो अपनी माँ को पुकारेगा, और फिर बेबी एलिफेंट की उस आवाज से हमें पता चल जाएगा कि वो बेबी एलिफेंट है कहाँ। हाँ विवान, ये युक्ति काम कर सकती है। और अब मैं इस आवाज को वायु में मिला के धरती पे फैला देती हूँ। मदर एलिफेंट को पक्का पता चल जाएगा कि ये उसका बच्चा नहीं है, बल्कि उसके जैसे दिखने वाला एक खिलौना है। तो मैं इस पुतले में थोड़ी हलचल पैदा कर देता हूँ। अब ये उसे अपना बच्चा ही समझ रही है। कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है? हाँ? लगता है कि उसे पता लग जाएगा? पता नहीं, लेकिन माँ को यहाँ से सुरक्षित ले जाने का यही सही मौका है। चलिए आंटी। अरे ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? एक माँ को नकली बच्चा दोगे असली बच्चे की जगह? धोखा दोगे उसको? ये सही नहीं है। अरे माँ तो अंधेरे में भी अपने बच्चे को पहचान सकती है। लेकिन माँ, आप सही कह रही थी, उस माँ को सच पता चल गया। विवान, बच्चा अपनी माँ की आवाज सुनके उसे पुकार रहा है। वो किस दिशा में है भाई बरी? वहां उस दिशा में। ठीक है चलिए।
बेचारा अपनी माँ से बिछड़ कर कितना तड़प रहा है। इसकी आवाज सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रो रहा है। ऐसा करके तो फिर विवान की दुश्मनी के भी लायक नहीं रहा। चलिए भाई परी, हम इस देवी एलिफेंट को यहाँ से बाहर निकालते हैं। कोई बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाए ये विवान देख नहीं सकता। ने काफी मजबूत कवच लगाया है यहाँ पे। हमें साथ में मिलकर शक्ति प्रयोग करना पड़ेगा। चलो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाता हूँ। हाय विवान, कैसे हो अब? ये तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि अगर ठीक भी हो तो ज्यादा देर ठीक में रहने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों हमारा जादुई कवच तोड़ोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? माँ को लेके यहाँ से निकलो, मैं इसे संभालता हूँ। चलिए करना जी। नहीं अनन्या, लेकिन वो उसका बच्चा, वो तो उसे नहीं मिला ना। उसको विवान ले आएगा, अभी इसके गुस्से से बचने के लिए हमें यहाँ से चलना ही होगा। चलिए। नहीं, जब तक उसे उसका बच्चा नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ, अनन्या की बात मानिए, जाइए यहाँ से। मैं आपसे वादा करता हूँ किस कास्ती बच्चा मैं वापस पहुंचा कर ही लाऊंगा। जाइए। आंटी, अभी उसके बच्चे के बारे में नहीं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? चलिए। देखो, तुम्हें भी पता है कि यहाँ क्या होने वाला है। मैं इस बेबी एलिफेंट को यहाँ से लेकर जाऊंगा, तुम मुझे रोकोगे, हम लड़ेंगे और हमेशा की तरह अपनी मुक्की खाएगा। ए, ए, छोटा बालवीर अपनी मुक्की खाएगा। ऐसा सोचना भी तुम सबके लिए हानिकारक होगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि टेक अ चिल पिल और ले जाने दो मुझे इस बच्चे को उसकी माँ के पास, इससे सबका टाइम बचेगा। अच्छी बात है विवान कि तुम टाइम सेव करना चाहते हो। आई एम सॉरी, पर मैं तो टाइम वेस्ट करना चाहता हूं।
इंद्री को। अनन्या, तुम माँ को यहां से लेकर जाओ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। अरे अब तुम भी गए। बेबी एलिफेंट के पास पहुंचकर भी हम उसे रे और उसकी गैंग से नहीं बचा पाए, लेकिन अब चाहे रे कहीं भी गया, मैं एक बच्चे को उसकी माँ से दूर नहीं रहने दूंगा। मदर एलिफेंट को चोट पहुंचाना सही नहीं होगा, लेकिन इस टाइम पे हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कड़ा प्रहार करना ही होगा। कड़ा प्रहार होगा, लेकिन इस हत्ती पर नहीं, इस जमीन पर। इस जमीन पर प्रहार करके मैं इतना गहरा गड्ढा बना दूंगा जिसके अंदर ये कैद हो जाएंगी और फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे। खाती हो या पूरी सेना, इनका सामना करने के लिए हमें तैयार होना ही होगा। Thank you.
ये तो हमें बिना छुए ही चले गए। छुते भी नहीं, क्योंकि ये हाथियों का झुंड हमारा ध्यान भटकाने के लिए बुलाया गया था। वो देखो, हाथियों के झुंड के आड़ में तुम आपको उठाकर ले गए। लेकिन रे, विवान इसे जैसे पहले ढूंढ लिया था, अगर दोबारा ढूंढ लिया तो है? नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि इस बार मैं ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा जिसमें दोनों बालवीर एंटर तो कर पाएंगे लेकिन एग्जिट नहीं कर पाएंगे। एक और बार हार पहनाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। ऐसा कहा मैंने? जीत का हार भी पहनूंगा लेकिन उन दोनों बालवीर के मेरे चक्रव्यूह में हमेशा के लिए फंस जाने के बाद। चलो बालवीर, वो मदर एलिफेंट आंटी को ज्यादा दूर तक नहीं लेके गई होगी। रुको बालवीर। तोनी परी, शौर्य ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। शौर्य को पता चला कि तुम माँ हाथी पर प्रहार करने वाले थे। ये करने के लिए मैंने बोला था बालवीर को। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कर दिया होता उस मासूम बेजुबान जानवर पर तो इसका बहुत दुष्परिणाम होता बालवीर के लिए। अगली बार अगर माँ हाथी तुम्हारे सामने आए तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं जानता हूँ धोनी परी, मैं खुद चाहे जितने भी चोट क्यों ना खा लूं, लेकिन मैं किसी भी मासूम और बेजुबान जानवर पर कभी वार नहीं करूंगा। लेकिन वो आंटी को अपने साथ ले गई है, उसको रोकने के लिए कुछ तो करना होगा ना ध्वनि परी। अगली बार उसे नियंत्रण में करने के लिए ये माला काम आएगी। ऐसा खास क्या है इस माला में? ये माला उसके गले में पड़ते ही वो खुद ब खुद नियंत्रण में आ जाएगी और उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है ध्वनि भाई, लेकिन आप मदर एलिफेंट को ढूंढेंगे कैसे? मैं वापस से ड्रोन कैमरा लाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखो, इस बार माहती अपने पैरों के निशान खुद छोड़कर गई है, हमें बस इसका पीछा करना है। भाई, फिर से हमें आपकी बायो ट्रिक यूज करनी पड़ेगी बेबी एलिफेंट की लोकेशन ढूंढने के लिए। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है विवान। काम करता हूं, मैं ही तुम्हें वहां जाने का पता बता देता हूं। तुम बताओगे, यानी कि विलन हीरो बनेगा? वाह, वो क्या है ना कि अब मैं इतना भी स्टोन हार्टेड नहीं हूं यार। मैं तुम बच्चों को ऐसे रोते बिलखते मम्मी मम्मी ऐसे नहीं देख सकता, इसीलिए अभी डिवाइस लो, इस बटन को प्रेस करो और जुप से उस बेबी एलिफेंट के पास पहुंच जाओ। किडनैपर्स को राजा मांगते हुए तो सुना है, बट किडनैप हुए का लोकेशन देते हुए कभी नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ विवान,
और हमें उसकी इस चाल में फंसना नहीं चाहिए। भाई परी, मुश्किलों से डरने की कोई चॉइस नहीं होती बालवीर के पास। हीरे की चाल में मैं अभी फंसूं क्या बात में, मुझे फंसना तो है, लेकिन माँ को बचाने के लिए मैं किसी भी खतरे को लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहें सो मत आइए मेरे साथ। जिस कार्य के लिए बालवीर कभी पीछे नहीं हटे, उसके लिए वायु परी कैसे हट सकती है? पैरों के निशान तो यहाँ पर आकर समाप्त हो गए, इसका मतलब वो यही कहीं आसपास होंगे। वो देखो बालवीर। इस बार सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि घेराबंदी की गई ताकि हम करुणा जी तक ना पहुंच पाए। वही तो, मदर एलिफेंट को हार पहनाना तो दूर की बात है, इन बाकी के हाथियों की दीवार को कैसे पार करेंगे हम? हाँ, और साथ ही साथ हम इन हाथियों पर वार नहीं करेंगे। एक हाथी को संभालना इतना मुश्किल हो गया था भारत नगर में, अब इन बाकी के हाथियों को कैसे संभालेंगे हम, वो भी बिना मैजिक पावर्स के? एक तरीका है। वो दिखी वायु परी, वो रहा बेबी एलिफेंट। हमें तो लगा था रे ने बहुत ही खतरनाक जाल बिछाया होगा, पर यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं है विवान। चलो। नहीं वायु परी, ये भी तो रे की कोई चाल हो सकती है कि हमें लगे कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, पर रे स्मार्टनेस में 10 और मैं 100। ये तो सांप सीढ़ी का गेम बना हुआ है और वो भी लाइव। इसका मतलब हाथी के बच्चे को बचाने के लिए हमें ये गेम खेलना पड़ेगा शायद, पर उससे पहले मैं एक बार सीधा बेबी एलिफेंट तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। क्या यार विवान, अभी कहा कि स्मार्टनेस में 100 हो और अभी 0 बन गए। मैं तो फिर से 0 से हीरो बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो मैं 0 भी नहीं रहने दूंगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट, पर अगर अभी तुम्हें उस बेबी एलिफेंट तक पहुंचना है तो तुम्हें ये गेम खेलना ही होगा और नंबर 100 तक पहुंचना होगा। और ध्यान रखना कि ये गेम दो लोगों को मिलकर ही खेलना होगा, एक डाइस फेंकेगा और दूसरा चाल चलेगा। क्यों, तुम नहीं खेलोगे क्या मेरे साथ? डरते हो क्या मुझसे? रे डरता नहीं, डराता है। जैसे हर बार डाइस रोल होने पर ये गेम तुम्हें डराएगा, तो खेलो ये गेम और बचा लो बेबी एलिफेंट को। एंजॉय द गेम। क्या क्या कब खत्म होगा तुम्हारा बचपन? आ रहे नहीं नहीं, मतलब चक्रव्यूह बोल के ये बच्चों का मामूली सा सांप सीढ़ी वाला खेल बनाया तुमने। हाँ रे, कहीं इससे विवान आसानी से ना जीत जाए। आसानी से तो सिर्फ रे अपने दुश्मनों को दर्द देता है, दर्द। और ये गेम कितना आसान है ये अभी पता चल जाएगा। ये जानते हुए भी कि ये रे का गेम है, हमें इस गेम को खेलना ही होगा, पर एंड में विनर तो हम ही होंगे। वही परी, आप डाइस को रोल कीजिए और मैं इस गेम पे चलता हूँ। वो माँ हाथी
और सामने बाकी जितने भी हाथी हैं, और वो साइबेरियन हाथी है, उनमें और बाकी हाथियों में एक फर्क है। हम यहाँ पे फर्क ढूंढने आए हैं? नहीं अनन्या, लेकिन ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। वो साइबेरियन हाथी अपने बच्चे से बिछड़ने के दुख में है, लेकिन बाकी सारे हाथी यहाँ दोस्ती का फर्ज निभाने आए हैं, मदद करने आए हैं। तो खेलने का सामान मंगाई। क्या हम यहाँ खेलने आए हैं? हम नहीं, बाकी सारी हाथी खेलेंगे। हाथियों को पानी में खेलना और फुटबॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है। हम इसी का फायदा उठाएंगे। और जैसे माँ हाथी ने इन हाथियों की मदद से हमारा ध्यान भटकाया था, हम उनका ध्यान भटकाएंगे। समझ गई। पहले हम इनका खेलने की तरफ ध्यान लाएंगे, फिर जब ये खेलने के लिए दूर चले जाएंगे तब हम करना आंटी तक पहुंच जाएंगे। आशा है कि विवान भी उस हत्या के बच्चे तक पहुंच गया होगा। ग्रेट वेवरी, पहली बार में लाडर, अब बस 5 लाइए ताकि मैं डायरेक्टली नए खिलाड़ी तक पहुंच जाऊं। कोई बात नहीं, आप फिर से डाइस फेंकिए। जब 5 जीता तब तो आया नहीं, और अब अरे ये क्या किया भाई परी, 5 पे तुम सांप का मुंह है। ये तो रियल स्टेक है। विवान, तुम ठीक तो हो ना? कैसे ठीक होऊंगा भाई बरी, पाँव में काटा नहीं लगा बल्कि सांप ने मुझे काटा है। अब तो पूरी बॉडी में उसका दर्द शुरू हो गया है। इसका मतलब विवान, हमें और समझदारी से ये खेल खेलना पड़ेगा। 3 पे सीढ़ी और 4 पे सांप, मतलब मुझे अपनी वायु शक्ति से 3 निकालना होगा। हर स्टेप पे मुझे स्नेक सी स्नेक बाइट कर रहे हैं, और वहाँ देखो भैया पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबत में होंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं यहाँ गेम खेल रहा हूँ तो मुझे उनसे डांट पड़ेगी अलग। मैं आप सबके लिए फुटबॉल लेकर आया हूँ, तो क्या आप फुटबॉल खेलना चाहेंगे मेरे साथ? आप खेलेंगे मेरे साथ या आप खेलेंगी? आप खेलेंगी? ये लो।
साथी का मन हो रहा है खेलने का? शुरू करते हैं, खेलेंगे आप? खेलने के लिए सब उत्साहित तो है, बस जरूरत है थोड़ी और कोशिश की, और साथ ही साथ और गेंदों की भी। तो बताइए, शुरू करें फुटबॉल में? भाई परी, एक आया तो सांप का मुंह, और अगर पांच तो लाड़। सो आप अपनी सारी शक्तियां लगाकर पांच हिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर फिर से एक बार मुझे सांप ने काटा ना, तो मैं नागिन डांस करने लग जाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी विवान। परी, क्या यहाँ पर मैं नागिन डांस करता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? नहीं, थोड़ा ध्यान से डाइस को रोल कीजिए। मैं जितना अपनी वायु शक्ति से अपना मन चाहा नंबर लाने की कोशिश कर रही हूँ, ये उसका उल्टा ही हो रहा है। मैं क्या करूँ विवान? अरे अरे वायु परी, उल्टी खोपड़ी ने गेम बना है तो असर तो उल्टा ही होगा ना। तुम समझ गए, लेकिन ये बेचारे बेवकूफ नहीं समझे कि इस गेम को रे ने बनाया ही ऐसा है। ये डाइस पे जो भी नंबर लाना चाहेंगे, डाइस उसका उल्टा नंबर लाएगी।